अब देश में 60,490 पीपल रिकवर हो गए हैं, और उसके साथ ही जो हमारा रिकवरी रेट 7.1% करीब मार्च में था, वह बढ़ते बढ़ते 11.42% जबकि हमने सेकेंड लॉकडाउन शुरू किया, थर्ड लॉकडाउन शुरू करने के समय पर वह बढ़कर 26.59% हुआ, और आज हम देख रहे हैं कि फील्ड में एफर्ट्स करने की वजह से वह लॉकडाउन के इस प्रेजेंट टाइम में बढ़कर 41.61% हो चुका है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारा फेटेलिटी रेट यानी कि जो कंफर्म केसेज आए हैं उसमें कितने केसेज में डेथ रिकॉर्ड की गई है, उसमें भी हम पाते हैं कि हमारा फेटेलिटी रेट इज़ वन अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, और वह 3.3% से घटते हुए अब करीब 2.87% हो चुका है। इसके साथ ही एक और विषय हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि आज कोविड-19 से खाली भारत ही नहीं पूरी दुनिया लड़ रही है, हर देश लड़ रहा है। हम लोग वायरस से इम्यून नहीं हैं और हम लोग पूरी दुनिया से जुड़े हुए भी हैं, बिल्कुल क्लोज नहीं हैं। उस सिचुएशन में जिस समय की सोशल मोबिलिटी और सारे प्रोसेसेस एक वर्ल्ड का एक पार्ट थे, उसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो पाते हैं कि अगर वर्ल्ड में 69.9 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुए हैं तो इंडिया में वह करीब 10.7 केसेस पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुए हैं। वर्ल्ड में ओवरऑल 6.4% फेटेलिटी रेट ऑब्जर्व किया गया है, तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट फेटेलिटी रेट अमंग द कंट्रीज जहां पर कि हायर केसेस रिपोर्ट हुए हैं, विच इज़ एज लो एज 2.87%। हम इसको अगर दूसरे देशों से कंपैरिजन में देखें तो पाते हैं कि जैसे कुछ देशों में 19.9%, 16.3% या 14.3% इस हाई रेट पर अगर केस फेटेलिटी ऑब्जर्व की गई है तो उसके मुकाबले इंडिया में एज लो एज 2.87% फेटेलिटी हमने नोट की है। इसी एनालिसिस को अगर हम देखें कि अगर हम पॉपुलेशन के बेसिस पर उसको नॉर्मलाइज करें तो पाते हैं कि जो हमारे यहाँ पर अगर वर्ल्ड में 4.5 केसेस डेथ जो है पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई हैं आज तक, तो इंडिया में वह करीब 0.3% 0.3 के डेथ पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई है, जबकि उसके कंपैरिजन में और देशों से अगर हम कंपेयर करें तो पाते हैं कि एज हाई एज 81 डेथ पर लाख पॉपुलेशन भी कुछ देशों में रिपोर्ट हुई हैं। यहाँ यह पॉइंट मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहूँगा कि अगर हमारे यहाँ लो डेथ पर लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट हुई है, लो केस फेटेलिटी है, तो उसका मुख्य कारण लॉकडाउन में ली गई हमारे जो प्रोसेसेस थे इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एंश्योरिंग कि हमारे लॉकडाउन के समय में सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट किया जाए, साथ ही कंटेनमेंट मेजर स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स के थ्रू हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ें, और इन कारणों से ही हम अपने देश में यह फेटेलिटी रेट या डेथ पर लाख पॉपुलेशन को रिलेटिवली दुनिया के मुकाबले काफ़ी कम पाते हैं। As far as tackling this disease is concerned, so in terms of ramping up testing, if you look at this slide, India has significantly ramped up its testing in the last 3 months. In January, we just had one lab, that is the Indian Council of Medical Research, National Institute of Virology at Pune, which was testing or capable of testing for this virus. Subsequently, we gradually ramped up, and also we had a very intelligent and a calibrated testing strategy, which was responsible for testing the right people, not over-testing, not under-testing, and just getting the right calibrated results. So, 28th February, we had 14 public labs. 31st of March, we had 125 public labs and 52 private labs. And today, as we speak, we have about 612 labs, out of which 480 are public labs and 182 are private labs, and we also have the TrueNAT and the CBNAT, etc., being used for testing. We have also increased, initially in the month of February, we were just screening and testing travelers who returned. Now we are testing travelers, healthcare workers, and frontline workers who are symptomatic, SARI patients who are symptomatic, ILI patients symptomatic. We have also adding clusters. Women in labor, symptomatic ILI among returnees, and hospitalized ILI patients, and also contacts. So now we have ramped up testing immensely in the last 3 months, and we are testing about 1.1 lakh samples in a day.